दोस्तों, आज मैं शास्त्रीय की संगीत की बात करना चाहता हूँ। मेरा कुछ एक्सपीरियंस है जो मुझे काफ़ी टाइम से एक परेशानी दे रहा है, दिक्कत दे रहा है। मुझे लगता है इसको बाहर निकालने की बहुत ज़रूरत है, तो मैं बिना टाइम समय को वेस्ट किए मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, शास्त्रीय संगीत जो है वो सिर्फ कान को प्लेजर देने के लिए नहीं है, जैसे बाकी के संगीत हैं। शास्त्रीय संगीत एनर्जी लेवल पे जो चक्रास होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं, उस पे इम्पैक्ट देता है। आज से 3 साल पहले की बात है, मैं कर्नाटका में था। वहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा कॉन्सर्ट हो रहा था और मैं बस बाइक से अपनी ट्रैवल कर रहा था और मैंने एकदम से सुना, तो मैंने कहा यार मुझे यहाँ पे रुक के ना मुझे सुनना चाहिए। वहाँ पे कुछ राग देश या राग बागेश्री, कोई एक राग था वो चल रहा था, राग देश चल रहा था शायद। मैंने कहा ठीक है, मैं 2-3 मिनट देख के मैं अपना बाइक पे कंटिन्यू करूँगा, वापस आ जाऊँगा। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अंदर गया। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने पहले शास्त्रीय संगीत के कॉन्सर्ट्स नहीं सुने हैं, मैं पहले सुन चुका हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा सर, मैं अंदर गया और मैंने जैसे ही वो सुना, क्योंकि मेरा साउंड ऑफ साइलेंस के साथ 2-3 साल एक्सपीरियंस था, मेरा जो प्राणमय शरीर था वो काफ़ी ग्रो हो चुका था उस वक्त तक, मैं एकदम से खड़ा हो गया। मतलब मैंने जैसे ही देखा स्टेज पे एक सितार, एक तबला, एक गायक बैठा हुआ है, उन्होंने गाया बहुत ठराव से, मतलब गाना गा रहे थे। वो एक राग देश था शायद। मेरी आंखों में आंसू आ रहे बोलते हुए, मेरा आपको विश्वास नहीं होगा, मैं वहां पे कम से कम 15 से 20 मिनट स्टंट खड़ा रहा। मतलब इट वॉज सो अमेजिंग, इट्स सो प्लेजरेबल राइट नाउ। आई मीन आई डोंट नो वॉट दे हैव डन, ओ माई गॉड, दीज पीपल, द फ्रीक्वेंसीज, द सुर, द पिच, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दे हैव डिजाइंड 2000 years back, 1000 years back. Oh my God, they have so much calculated it. You cannot even imagine कि it was just, oh my God. मतलब जैसे ही वो सुनाई दिया ना, मैंने कहा मुझे यहीं बैठना है, मैं जब तक खत्म नहीं हुआ मैं निकला नहीं। इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना सादा, पीसफुल, शांति, मुझे विश्वास नहीं हुआ लाइफ में आज तक। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 1 घंटा हो गया मैं बैठा रहा वहां पे। मैंने कहा मैं खत्म होगा निकलूंगा, फ्री था वो कॉन्सर्ट, फ्री था, मैं निकला। हालांकि मैंने 3-4-5 साल पहले भी, मेरे जो सर हैं शास्त्रीय संगीत में जिन्होंने मुझे सिखाया है, उनके साथ भी मैं निकल चुका हूँ। मतलब मैं सुन चुका हूँ वो गाना और वो राग, वो जो बंदिशें हैं वो मैं सुन चुका हूँ। विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे उस वक्त उतना फील होता था, बट ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मेरा प्राणमय शरीर काफी ग्रो हो चुका है। मुझे वो वहां पे फील हुआ, मुझे पता चला कि मैंने काफी ग्रो करा है। उसके बाद मेरा जो शरीर है वो जैसे मेंटल ग्रो होता है, फिजिकल आप बॉडी ग्रो करते हो जिम करके, वैसे ही प्राणमय शरीर भी ग्रो होता है। और वो ग्रोथ रुकती नहीं है, वो ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है, लाइफ टू लाइफ, लाइफ टू लाइफ। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार शास्त्रीय संगीत कॉन्सर्ट को एक्सपीरियंस करें। एक एक फ्रीक्वेंसी, एक एक सुर, एक एक थाट, एक एक राग, सब कुछ इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है प्राणमय शरीर को चोट मारने के लिए और यूनिवर्स के साथ रिजेंबल करने के लिए। एक एक फ्रीक्वेंसी को बहुत समझदार, बहुत गुणी। विश्वास नहीं होता मुझे कि कहां से हम आए, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है,
आपको रोना चाहिए, आपके आंखों में से आंसू आने चाहिए। आप इस देश में पैदा हुए हैं, ये देश इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं इस वक्त। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं कि मैं अभी इंडियन क्लासिकल कॉन्सर्ट सुन रहा था और मेरे साथ जो हुआ अभी, मुझे मैंने कहा कि मुझे ये बताना चाहिए आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे। इस देश में, इस देश से खूबसूरत जगह कोई नहीं है। एंड इट इज नॉट अबाउट बाउंड्री और बॉर्डर्स और ऑल दैट। मैं कह रहा हूं इस देश में जो कर्म हुआ है, जो जिस लेवल पे लोगों ने काम किया है, हैट्स ऑफ टू दीज पीपल, शत शत नमन है मेरा। बाप रे बाप, आजकल तो सब कुछ मिश्रित हो गया है, गाने वाने रैपर और ये सब आ गए हैं, लेकिन हमारे देश को मत भूलो, संस्कृति कभी राग देश। आप टाइप करो यूट्यूब पे राग देश इंडियन क्लासिकल कॉन्सर्ट, आप सुनो एक बार उसको, राग बागेश्वरी इंडियन क्लासिकल कॉन्सर्ट, राग आसावरी सॉरी दरबारी आप सुनो, आप राग बिलावल सुनो, आपको विश्वास होगा, आप देखोगे किस लेवल पे काम हुआ है। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर वोकल कॉर्ड्स, डोंट गेट इन टू दैट शिट, इट इज अबाउट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, द बाउंड्रीज ऑफ द प्राणमय कोश एंड द मनोमय कोश एंड द अन्नमय कोश। सो गो एंड लिसन इट, इट्स सो अमेजिंग, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब मैं जब वहां खड़ा था तो मुझे आज तक मुझे याद है कि क्या हो रहा है। मैं पहले भी अटेंड कर चुका हूं लेकिन ये क्या हो रहा है, विश्वास नहीं करेंगे। इट वॉज अमेजिंग, थैंक यू। आई थिंक शॉर्ट रखूंगा थोड़ा सा, बट इट वॉज सो अमेजिंग, इट इज सो वंडरफुल टू हियर दैट म्यूजिक आफ्टर सो मच ऑफ मेडिटेशन। यू फील इट, इवन इफ यू नॉट डूइंग एनी मेडिटेशन, इफ यू आर यू नो अटेंटिव इनफ, यू विल अंडरस्टैंड इट, यू विल गेट द वाइब्स। बट अगर प्राण में शरीर में ग्रोथ हो रखी है, दैट विल बी ऑर्गेजम फॉर यू, लिटरली। इट वॉज हिटिंग ऑन एवरी सिंगल सेल, इट वॉज समथिंग एल्स, आई कैन नॉट डिफाइन इट इन द वर्ड्स, आई हैव नेवर ऑब्जर्व्ड इट सो कॉन्सेंट्रेटली कि मैं एक एक चीज को डिफाइन कर सकूं। टू डिफाइन इट इन द वर्ड्स आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट, आई वॉज लॉस्ट इन दैट कॉन्सर्ट। एंड इट इज नॉट अबाउट जस्ट दैट कॉन्सर्ट और समथिंग लाइक दैट, इट इज जस्ट द मेलेडी, द तबला, द हारमोनियम, द वोकल्स, इट वॉज सो अमेजिंग। ओ माई गॉड, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस लेवल पे हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो है वो काम करके गया है, लेकिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पढ़ना चाहिए, जाइए सुनिए देखिए जो मैं बता रहा हूं। धन्यवाद।